वाइज न्यू डे न्यू ब्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सुल्तानगढ़ी के आर्कियोलॉजिकल पार्क में, और आज यहाँ मैं आपको दिखलाने वाला हूँ हिंदुस्तान का सबसे पहला मकबरा। जी हाँ, हिंदुस्तान का सबसे पहला मकबरा। किसने बनवाया था, कब बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, ये सब मैं इस ब्लॉग में आपको बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। ये जो जगह है जहां मैं आपको लेकर आया हूं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका सीधा सीधा इतिहास जुड़ता है दिल्ली सल्तनत के साथ। जी हां, 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो गए थे, तो क्योंकि उनका जो है कार्यकाल ज्यादा नहीं चला, क्योंकि पोलो खेलते हुए वो घोड़ों से गिर गए थे और घोड़े से गिरने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। उनके बाद उनके बेटे आराम शाह, उनको गद्दी पर बैठाया गया। आराम शाह से दिल्ली सल्तनत की भागदौड़ संभाली नहीं जा रही थी, तो फिर इल्तुतमिश अल्तमश को दिल्ली का बादशाह बना दिया गया, और यहाँ से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। इसके चार बच्चे थे जिनमें तीन लड़के थे, नासिरुद्दीन, रुकनुद्दीन और मैनुद्दीन, और एक उनकी लड़की थी रजिया सुल्ताना, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो उनके सबसे बड़े वाले जो लड़के थे नासिरुद्दीन को उन्होंने बंगाल की मुहिम पर भेजा हुआ था, और बंगाल के मतलब उन्होंने वहाँ जीत भी लिया था, और उसके बाद वो वहाँ के सूबेदार बन गए थे। ऐसा बतलाया जाता है कि वहीं पर बंगाल में कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बीमार हो गए थे, बीमार होकर उनका इंतकाल हो गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर कोई युद्ध हुआ था, युद्ध में उनका इंतकाल हो गया था। उसको जब उनके इंतकाल की खबर मिली तो वो वहाँ बंगाल गए और उनके जो बॉडी थी, शरीर था, उनको लेकर आए यहाँ पर, और लाकर यहाँ पर दफनाया गया। उसके बाद ये जो मकबरा है बाद में, यानी कि 1231 में ये मकबरा बनकर कंप्लीट हुआ था। तो हम चलने वाले हैं इस मकबरे के अंदर, और ये मकबरा मैं आपको अंदर से दिखलाने वाला हूँ। हालांकि आज की डेट में यहाँ पर इसको जो है दरगाह में, क्योंकि लोकल्स में काफ़ी इसकी मान्यता है, तो दरगाह की तरह इसको माना जाता है। तो जुमरात के दिन अगर आप आते हैं तो यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है, उस दिन एंट्री फ्री होती है। बाकी अगर आप किसी और दिन आते हैं तो 25 रुपीज़ का टिकट आपको देना पड़ता है। तो अभी चल रहे हैं हम इसके अंदर, और अंदर से मैं आपको ये दिखलाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिखलाने के लिए, जिसको हिंदुस्तान के इतिहास का पहला इस्लामिक मकबरा कहा जाता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, हम चलने वाले हैं इसके अंदर, और अंदर से मैं ये मकबरा आपको दिखलाने वाला हूँ। तो ये है इसका ये मेन एंट्री गेट। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये वाइट संगमरमर का जो ये काम आप देख रहे हैं, और इसमें कुरान शरीफ की आयतें उकेरी हुई हैं, ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से चलने वाले हैं इसके अंदर की तरफ। तो आप ये देखेंगे पहाड़ी पत्थरों से बनाई हुई ये सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, और ये आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वाइट संगमरमर का काम करके ये कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर उकेरी हुई हैं, और ये है मेन दरगाह जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। दरगाह कहें या मकबरा कहें, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है मेरे
सामने। हम चल रहे हैं अंदर, तो अंदर जाने से पहले आपको शूज रिमूव करने होते हैं क्योंकि ये एक दरगाह है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा मैं आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ इसका। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, आ गया हूँ इस सुल्तानगढ़ी के इस मकबरे में, जिसको भारत के इतिहास का पहला मकबरा कहा जाता है। तो ये मैं आपको यहाँ अंदर से दिखलाने वाला हूँ। ये है ये इसका मेन गेट जहाँ से हम होकर आए हैं, और यहाँ से आप ये देखेंगे ये रास्ता जाता है नीचे दरगाह के लिए। देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर के ये पिलर्स इसमें लगे हुए हैं। ये आप देखेंगे तो वाइट संगमरमर का इसमें जो है काफ़ी काम यहाँ पर हो रखा है। तो ये आप ये देखेंगे ये पिलर्स जो हैं संगमरमर के बने हुए हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं वाइट संगमरमर से इसको जो है बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे तो अरबी में या फारसी भाषा में कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर उतारी हुई हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे तो आप ये देखेंगे बेहद ही खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे ये लाल बलुआ पत्थर के पिलर्स जो हैं लगे हुए हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारी ये विंडोज, ये आप देखेंगे ये मेहराबदार ये गेट खुले हुए हैं यहाँ पर इसमें। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ, और ऊपर से मैं आपको दिखलाता हूँ। तो गाइस ये आप देखिए इस खूबसूरत मकबरे का ये खूबसूरत सा व्यू। बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये पुराने स्ट्रक्चर हैं उस समय के, ये आप देख लीजिए जब ये मकबरा बनवाया गया था तो उसी समय के ये सब ये पुराने स्ट्रक्चर हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, लगभग 800 साल 850 साल का टाइम हो गया है, तो ये सारे स्ट्रक्चर खराब हो चुके हैं। इतिहास की बात करें तो इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन शाह के लिए। 1231 में ये मकबरा बनकर तैयार हो गया था, और ये भारत का पहला मकबरा था जो इस्लामिक तौर पर बनाया गया था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं चलने वाला हूँ इसके अंदर, और अंदर से ये मकबरा मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये है रास्ता नीचे जाने का दरगाह में, और यहाँ से हम चलते हैं नीचे। काफी अंधेरा है यहाँ पर। बस ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये तीन कब्रें हैं, 1, 2, 3। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये है ये मकबरा नसीरुद्दीन शाह का, जो इल्तुतमिश के बेटे थे। उनके अलावा यहाँ पर उनके दो बेटों की कब्रें और हैं ऐसा बतलाया जाता है। ये मकबरा, ये तीन तीन यहाँ पे कब्रें हैं, और ये है वो गेट जहां से मैं अंदर आया हूं। तो गाइस अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर चलकर मैं इसकी बाकी डिटेल्स आपको दिखलाता हूं, और बाहर से भी इसका ओवरव्यू मैं आपको करवा देता हूं। बाहर चलते हैं। अंदर से आपको ये मकबरा, अभी हम चलने वाले हैं बाहर, और बाहर से इसका क्या व्यू है और क्या क्या यहाँ पर अभी बचा हुआ है ये मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। ये है इसका ये मेन एंट्री गेट, और यहाँ से हम आए हैं। ये आप देखेंगे इसके साथ में ये चारों कोने पे जो हैं गुंबदें बनी हुई हैं, ये आप देखेंगे, और बीच में है ये मकबरा।
जो कि बेहद ही शानदार और खूबसूरत बना हुआ है। ये यहाँ से बाहर का व्यू। मैं आ गया हूँ मकबरे से बाहर, और बाहर आकर मैं अगर आपको दिखलाने की कोशिश करूँ, इसको बनाए गए जो मटेरियल से बनाया गया है, ये आप नीचे देखेंगे तो ये जो है ये पहाड़ी पत्थर का यूज़ करके ये नीचे का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये बलुआ पत्थर का सारा यूज़ इसमें हो रखा है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी चल रहे हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ एक छतरी यहाँ पर बनी हुई है जो कि उसी समय की बतलाई जाती है, तो ये अभी मैं आपको दिखला देता हूँ। तो गाइस ये आप देख लीजिए, ये भी उसी टाइम की एक ये गुंबद है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको भी जो है दो तीन बार मॉडिफाई कर दिया गया है, ये तो आज के समय के हैं, ये इसको रोकने के लिए इसको लगाए गए हैं। और ये जो आप ये पिलर देख रहे हैं, ये जो है ये फरोशा तुगलक के समय के ये पिलर्स इसमें लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक ऑक्टागनल शेप में ये बनाई गई थी। ये आप देखें, ये काफी खूबसूरत ये गुंबद, ये आप देख लीजिए। और ये जो ये पुराने पिलर्स हैं, ये लगभग उसी समय के पिलर्स हैं, फरोशा तुगलक ने ये बनवाए थे। और ये जो है इसको सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट सिस्टम के तहत इसको ये बाद में जो है सपोर्ट देने के लिए ये बनाए गए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी जो है उसी समय के ये जो है स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, जो कि अब काफ़ी नीचे हो गए हैं लेवल पे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस आज मैंने दिखलाया आपको भारत के इतिहास का पहला इस्लामिक मकबरा। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।